नमस्कार, मी अमरीन खान, एडियन बातमीपत्रात आपले स्वागत. आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. शहरात हवाल्यामार्फत आलेले 1.9 लाख रुपये गुन्हे शाखेकडून छापा मारून जप्त. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल खासगी संस्थेकडे देण्याच्या हालचालींना वेग. कोट्यवधींची यंत्रसामुग्री धूळ खात पडून. इंधन दरवाढीच्या विरोधात डाव्या पक्ष संघटनांची तीव्र निदर्शने. आता सविस्तर बातम्या. शहरात हवाल्याचे व्यवहार होत असलेल्या चेलीपुरा भागातील एका दुकानात गुन्हे शाखेच्या पथकाने छापा मारून हवालासाठी आलेले 1.9 लाख 50 हजार रुपये पकडले. मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत ही कारवाई करण्यात आली. आशिष साहूजी, राणार टीव्ही सेंटर यांचे चेलीपुरा भागात सुरेश राईस नावाचे दुकान आहे. मंगळवारी सायंकाळी 5 वाजता गुन्हे शाखेच्या पथकाने या ठिकाणी छापा मारला. त्याआधी पथकाने दिवसभर दुकानाची रेकी केली होती. त्यामध्ये अनेक जण आतमध्ये जाऊन कोणताही किराणा खरेदी न करताच परतत असल्याचे दिसून येत होते. खात्री पटल्यावर पोलिसांनी छापा मारला. त्यात 1.9 लाख 50 हजार रुपये मिळून आले. त्याशिवाय मोठ्या प्रमाणात रकमेचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती देखील मिळाली होती. दुकानाचे मालक आशिष साहूजी यांना विचारपूस केल्यानंतर पैशाचा स्रोत सांगता आला नाही. हवालाचे पैसे असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अविनाश आघाव यांनी आयकर GST विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. दुकानदाराच्या विरोधात सिटी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कामगिरी सहाय्यक पोलीस आयुक्त विशाल ढुमे, पोलीस निरीक्षक अविनाश आघाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक कल्याण शेळके, सहाय्यक फौजदार रमाकांत पटारे, विजय निकम, संदीप सानप, राजेंद्र साळुंके, दत्तात्रय गढेकर, वीरेश बने, नितीन देशमुख, चालक शिंगारे यांच्या पथकाने केली. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत. औरंगाबाद शहरात काल रोजी एका शहागंज परिसरामध्ये एका किराणा दुकानामध्ये काही संशयास्पद रक्कम येणार आहे अशी माहिती मिळाली. त्यावरून गुन्हे शाखेच्या टीमने त्या ठिकाणी छापा मारला असता आशिष साहूजी या व्यापाऱ्याकडे जवळपास 1.9 लाख 50 हजार रुपये कॅश आणि नोटा मोजायचं साहित्य मशीन मिळालेलं आहे. ती माहिती आम्ही तात्काळ जॉईंट कमिशनर इन्कम टॅक्स यांना दिली. तीही त्या ठिकाणी घटनास्थळी आलेली होते आणि पुढील कारवाई जॉईंट कमिशनर इन्कम टॅक्स ITAC प्रमाणे करत आहे. व प्राथमिकदृष्ट्या जी माहिती मिळाली आणि ज्या काही डॉक्युमेंट्स मिळाले त्यावरून तो हवालाचा प्रकार आहे. याच्यामध्ये जॉईंट कमिशनर इन्कम टॅक्स आणि त्यांच्या अधिकारी त्या ठिकाणी आलेले. त्यांच्या इन्कम टॅक्स ॲक्टप्रमाणे त्यांच्याकडे जे केलेला पंचनामा आणि रक्कम पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करून ती ताब्यात घेतील आणि ती चौकशी करून पुढील कारवाई करतील. एक व्यक्तीला ताब्यात घेतलं होतं, जी SOP आहे त्याप्रमाणे त्या व्यक्तीची संपूर्ण माहिती इन्कम टॅक्सला देण्यात आलेली आहे. जे इन्फॉर्मेंटनी जे दिलेली माहितीप्रमाणे जवळपास 15 दिवसापासून तिथं काही आर्थिक व्यवहार आहेत किंवा आर्थिक उलाढाली या संशयास्पद होत आहेत आणि तिथून कॅशची आवकजावक होती ही माहिती होती आणि तो एरिया थोडा सेन्सिटिव्ह आहे त्यामुळे त्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आलं आणि त्याप्रमाणे कारवाई हो ती डायरेक्ट ताब्यात घेतलेली पंचनामा करून रकमेसोबत आणि ते इन्कम टॅक्सला आम्ही सबमिट करणार. सिटी चौक परिसरातील वॉचलँडची मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना माहिती देण्यात आली असून लवकरच सदर मालमत्ता ताब्यात येणार असल्याची माहिती वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिश शेख यांनी एडीएस सोबत बोलताना दिली. जो वॉचलँड की जगह है तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन अभी चालू है तो इसमें क्या वो है स्टेटस क्या है इसका क्या मसला है? वो लीज थी जी, 2014 में लीज दिए थे हमने जी वो जगह की और वो इसमें वो एक्सटेंड करने के लिए उसको बोला गया था बट वो एक्सटेंड करने के लिए आया नहीं. मीनवाइल एक कंप्लेंट ऐसी आ गई कि उसने किसी को सेल कर दिया जी, या फिर वो किसी ने उसको सब उसने किसी को सब टेनेंट बना दिया जी. तो हमने उसको नोटिस इशू किए. अच्छा। सेक्शन 52 में हमने उसको नोटिस इशू किए जी. तो
उसकी तरफ से हमको कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया जी। तो फिर हमने जो है वो प्रॉपर्टी को इवैक्यूएट करने के लिए हमने कलेक्टर को एक नोटिस भेजा है जी। कलेक्टर के नोटिस का पीरियड भी कंप्लीट हो गया, एक महीना हो गया अच्छा। मतलब ये 19 तारीख को कंप्लीट हुआ जी। और कलेक्टर प्रोसेस कर रहे हैं उसको अच्छा। अब जब वो उनकी प्रोसेस हो जाएगी देयर आफ्टर वो जब उनको नोटिस इशू करेंगे फिर हमारा रिक्विजिशन के बारे में फिर हमको वो अवेलेबल करा के दे देंगे हमारी जगह जी। तो ये ऑपरेशन करता फिर क्यों बैठे हैं वो, मतलब उनको हमने समझाया है कि ये प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस के बीच में जो है आप बीच में ऑपरेशन करोगे तो कुछ होगा नहीं जी। और ये अभी इस वक्त में हमारे बस में भी नहीं रहा है क्योंकि हमने कलेक्टर को नोटिस दिया उसका, उसकी कार्रवाई शुरू हो गई। अच्छा, वो जितना वक्त लेता है एक महीना लगेगा जी जी प्रोसेस, वो हिसाब से उनकी कार्रवाई कम्प्लीट होगी तब जा करके वो कलेक्टर हमको वो जगह हमको हमारे पोजिशन में दे देगा। आरटीए एक्ट नुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी महानगर पालिका अंतर्गत शहर साधन केंद्र स्तरावर पडताळणी समितीची बैठक घेण्यात आली। बैठकीत विद्यार्थ्यांचे फॉर्म अंतिम करण्यात आले। आरटीए एक्ट 2009 नुसार 25% प्रवेश प्रक्रिया राबविताना केंद्र स्तरावर आरटीए अंतर्गत URC 2 अंतर्गत 509 पैकी 292 फॉर्म जमा झाले आहेत। त्यापैकी त्रुटी आढळलेल्या फॉर्म मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी पडताळणी समितीची बैठक बुधवारी URC 2 उस्मानपुरा केंद्रावर घेण्यात आली। सदर बैठकीत शासनाच्या नियमाप्रमाणे सर्व नियम पाळून विद्यार्थ्यांचे फॉर्म अंतिम करावेत असा एकमताने निर्णय घेण्यात आला। बैठकीचे नियोजन समग्र शिक्षा अभियानाचे कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानदेव सांगळे, युवराज बाबजे, गौतम मोकळे व प्रीती मुळे यांनी केले। या समितीचे अध्यक्ष शिक्षणाधिकारी रामनाथ थोरे, सचिव अरविंद कापसे, शिक्षण विस्तार अधिकारी केंद्रीय मुख्याध्यापक संजीव सोनार, देवेंद्र साळुंके तसेच पडताळणी समितीचे सर्व सभासद बैठकीत उपस्थित होते। क्रांती चौक येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि समविचारी पक्षाच्या वतीने इंधन दरवाढीच्या विरोधात तीव्र निदर्शने आंदोलन करण्यात आले। बुधवारी शहरातील क्रांती चौक येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, CITU, अभा किसान सभा, जनवादी महिला संघटना DYFI व SFI या संघटनेकडून गॅस, पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे निदर्शने करण्यात आली। यात प्रामुख्याने पेट्रोल डिझेलवरील केंद्र सरकारच्या करांमध्ये त्वरित 50% कपात करा, गॅसच्या किमती त्यांच्या खरे उत्पादन खर्चानुसार आकारून त्या 500 रुपये प्रति सिलेंडरपर्यंत खाली आणा यासह अन्य मागण्यांचा समावेश होता। यावेळी जिल्हा सेक्रेटरी भगवान भोजने, नितीन वाहुळे, भाऊसाहेब झिरपे, सचिन मांडले, विशाल ठोंबरे, विश्वनाथ शेळके, निशा चेक, रखमाजी कांबळे, प्रकाश पाटील आदी उपस्थित होते। भगवान भोजने यांनी एडीएनशी बोलताना त्यांच्या मागण्यांबाबत अधिक माहिती दिली। मोदी सरकार 2014 ला येण्यापूर्वी त्यांनी सांगितलं होतं की आजचे दिन आने वाले है, तर या ठिकाणी महागाईपासून सगळ्याला मुक्तता मिळेल। आणि त्यांनी सांगितलं होतं आम्ही पेट्रोल डिझेल गॅसच्या किमती कमी करू, परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये की कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाल्यानंतर सुद्धा मोदींचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी जनतेवर 300% कर वाढ केली, पेट्रोलवर, डिझेलवर त्यांनी 600% वाढ केली। ही जी काही पेट्रोल डिझेल गॅसची जी दरवाढ आहे मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे, की त्यांनी जाणीवपूर्वक अदानी, अंबानी आणि इतर कंपन्यांना फायदा होण्यासाठी महागाईचा बोजा गोरगरीब जनतेवर लादलेला आहे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं 23वं राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न झालेलं आहे। 23व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाने आम्हाला हात दिली, आम्ही आमची मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत करू, डावी आघाडी मजबूत करू, डावी आघाडी मजबूत झाल्यानंतर आम्ही या मोदी सरकारला पर्याय देणार आहोत। जनतेच्या हितासाठी कायदे व्हाव यासाठी आमचा संघर्ष चालू राहणार आहे, ही संघर्षाला सुरुवात झालेली आहे। मातंग समाज अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने मनोज आव्हाड खून प्रकरणाच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शन आंदोलन करण्यात आले। मनोज आव्हाड खून प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून द्यावा यासह अन्य मागण्यांसाठी मातंग समाज अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने निदर्शने आंदोलने करण्यात आली। बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ही निदर्शने आंदोलन करण्यात आली। यावेळी राजू भालेराव, विनायक वाघुले, संतोष पवार, मारुती तुपे, रवी मिसाळ, सुभाष पाचुंदे, सुधाकर चांदणे, योगेश नाडे, हिरामन अडसूळ यांच्यासह समितीच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती। तरी या लोकांना
पीसीआर झालेला आहे, काल दोन दिवसाचा भेटला आहे, पण पोलिसांचा संशय तो की यांनी आतापर्यंत आरोपीचे मोबाईल आणि जे हत्यारे काही जप्ती केलेले नाही, तर पोलिसवाल्यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो येतो. तसेच या पीडित कुटुंबाला शासनामार्फत समाज कल्याणमार्फत 50 लाख रुपयाची मदत देण्यात यावे, त्यांचं पुनर्वसन होण्यात यावे. त्यांचे जे दोन मुलं आहे, एक मुलगा एक मुलगी, यांचं शासनाने शिक्षणाची जबाबदारी घेण्यात यावे, पालकत्व घेण्यात यावे. दुसरा विषय, उज्ज्वल निकम यांनी ही सरकारी वकील यांना नियुक्ती करण्यात यावे. दुसरी गोष्ट, फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चाली नेण्यात यावे आणि या आरोपींना फाशीची शिक्षा होण्यात यावे. आम्ही कंत्राटदार कारभारी जाधवर यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी हल्लेखोरांवर कारवाई करण्यात यावी, याबरोबरच कुलसचिवावर विद्यापीठ प्रशासनामार्फत कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी एडियोसोबत बोलताना करण्यात आली. गेल्या दिनांक 27/3/2022 रोजी माझ्यावर, मी वाळूधुन पेट्रोलिंग करून येत असताना बाबा पेट्रोल पंपच्या अगदी 500 मीटर अंतरावर माझ्यावर जीवे घेण्याचा हल्ला झाला. हे एवढं प्रकरण झाल्यानंतर आता याला जवळजवळ 1 महिना होऊन गेलेला आहे, 1 महिना होत आलेला आहे, तरीसुद्धा यावर शासकीय प्रशासनाने कुठलीही कारवाई केलेली नाही आहे, कुठल्याही डिपार्टमेंटने यांच्यावर कुठलीही कारवाई केलेली नाही आहे. कारण माझ्यावर आणि माझ्या परिवारावर हे कधीही केव्हाही प्रसंगी घात करू शकतात, मला त्यांच्यापासून जीवितास धोका आहे. विद्यापीठाच्या कुलसचिव सौ सुरेंशी मॅडम, त्यांचे हजबंड राजेश सुरेंशी, त्यांचे अकाउंटंट SP जाधव यांच्यावर शासनाने कडक कारवाई करून त्यांच्यावर त्वरित निलंबाची कारवाई करावी. बातम्या अजूनही आहेत, मात्र वेळ होत आहे का छोट्याशा ब्रेकची. कुठे जाऊ नका, पाहत रहा ADN. माने काकांचे मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट खास आपल्या सेवेत सुरू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रीयन पंजाबी चायनीज जेवणाची खास मेजवानी, स्पेशल व्हेज नॉन व्हेज सी फूडच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध. व्हेज थाळी, अंडा थाळी, चिकन थाळी आणि मटन थाळी आकर्षक दरात उपलब्ध. वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल झोमॅटो स्विगी द्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील. फ्री होम डिलिव्हरी मध्ये उपलब्ध. शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट, मातोश्री वृद्धाश्रमाजवळ, औरंगाबाद पैठण रोड, औरंगाबाद. नमस्कार, मैं शैलेश माने, मेरा यहाँ पे पैठण रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है. कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज़, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है. मैं कस्टमर से गुजारिश करूँगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले. हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है. सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फिश है, प्रॉन्स है, और नॉन वेज में भी पूरा प्योर नॉन वेज है. सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है. बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है. एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे, मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा. नहीं, हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है. देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है, और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है कि ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो. तो ये भी हमने रेट्स हमारे जो रेट्स है, तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें. औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट किसी से ज़्यादा भी नहीं है. हमारे रेट जो है, एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे, ये हमारा इतना गारंटी है. बंदगान तौहीद को जनता ड्राई फ्रूट और मसाला शॉप की जानिब से मुकद्दस माह रमजान की पुरखलूस मुबारकबाद. रोजेदारों के खिदमत के लिए हम लाए हैं पेंड खजूर का खजाना, वो भी उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर. हमारे पास आपको मिलेंगे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक और मदीना मुनव्वरा से मंगवाई गई अजवा खजूरें, संवागी, अनवरी, मकरूम, घूम, आमात हयात, लक्की, सुकरी, सुल्तान, सुलेमान, एमन, त
तजवीद, हयात, ईरानी, कलमी, गुलाम, जबरी, कच्ची पक्की और नूरजहां जैसी रस भरी और जायकेदार और तवाना बख्श पेंड खजूरें सहर व इफ्तार के लिए बेहतरीन खानों में दरकार सभी किराना सामान, रूह अफजा और इस जैसे ठंडे मशरूबात, शरबत के फ्लेवर उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर दस्तियाब हैं। तो फिर देर किस बात की, एक बार ज़रूर तशरीफ लाइए, हमारे यहाँ शादी के भी मसाले दस्तियाब हैं। एक बार हमें खिदमत का मौका दें। हमारा पता है जनता ड्राई फ्रूट एंड मसाला शॉप, हवेली कॉम्प्लेक्स, शाहगंज, बड़ी मस्जिद के सामने, लकी होटल के बाजू, शाहगंज, औरंगाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 9763578630 और 9175221111। आपकी खिदमत में पेश है सानी इंटरनेशनल हज उमरा टूर पैकेजेस। औरंगाबाद में पहली बार उमरा के लिए सीधी उड़ान सानी इंटरनेशनल की जानिब से औरंगाबाद मुंबई, जेद्दा मुंबई औरंगाबाद, ज्यारत के लिए आसान मक्का और मदीने के पास मौजूद एमन अल हिजरा होटल में शॉपिंग छोड़कर सारी चीजों का इंतजाम, जिसमें लॉन्ड्री, रहना, खाना, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी है। उमरा का नया पैकेज 20 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 तक। मजीद मालूमात के लिए ऑफिस पर विजिट दीजिए या कॉल कीजिए हमारे इस नंबर पर 9011001100। सान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, हज उमरा वर्ल्ड टूर पैकेजेस, SV कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 14, इलियास मस्जिद के पास, आजाद चौक से टीवी सेंटर रोड, सिडको। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ मुकाती रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज आप देख रहे हैं कि ये तमाम कपड़े जो जमा है यहाँ पे, ये हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र से, पूरे औरंगाबाद शहर से, एक एक दुकानों से ज़कात के नाम पे कपड़े जमा करे हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग जो है तो 27 और 28 तारीख के दिन यूनुस कॉलोनी कटकट गेट इमरान परियानी साहब के बंगले पे लेने वाले प्रोग्राम मेन रोड के ऊपर मोतीवाला हॉल के पास में। अब हमारी लोगों से गुजारिश है, एक अपील है कि देखिए, हम पिछले 8 साल से मुस्लिम कौम के अंदर कंटिन्यू 365 दिन काम कर रहे, और हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर 4 ऑफिस है। हमने लास्ट टाइम अपील करे थे कि आप ज़कात के माध्यम से कपड़े दीजिए, ज़कात के माध्यम से आप जितना ज़्यादा ज़्यादा कैश दे सकते आप कैश दीजिए। हमने आपको लास्ट टाइम हमारा QR कोड नंबर भी दिया था, मगर हमको अफसोस के साथ एक बात बोलना पड़ रहा है कि आज 21वें रोजे के बाद भी हमारे पास 5,300 रुपये की ही ज़कात आई है। ये बहुत बहुत शर्म की बात है कि जबकि हम लोग ने हमारे खुद के पॉकेट से QR कोड, पॉम्पलेट, हर दुकान में हमारे, आप शहर में जाएंगे तो पॉम्पलेट लगे, उसको हमारे जेब से हमने 50,000 रुपये खर्चा कर चुके अभी तक के। तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से अपील है, गुजारिश है कि जो इदारे काम करते, अगर आप उन इदारों को मदद नहीं करेंगे ज़कात के माध्यम से, तो आप किसको मदद करेंगे आप? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा ज़कात आप रोटी बैंक को जमा करिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे। अभी देखिए, शहर के अंदर एक छवि बनी हुई, यूसुफ मुकाती बहुत पैसे वाला है, वो अपने दम पे काम कर लेगा। देखिए साहब, अकेले दम पे कौम का काम कभी नहीं हो सकता, आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। हमारे पास में 10,000 से ज्यादा विवाहों की लिस्ट है हमारे पास में आज की तारीख में। अगर आप आके देखेंगे हमारे ऑफिस के अंदर, एक आदमी कितनों की मदद करेंगे आप बोलिए मेरे को? तो भी हम हमारी तमाम खुशियां, हमारी तमाम ख्वाहिशें मार के हम ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा ज़कात दीजिए, ताकि उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिले, हमारी कौम को ज्यादा ज्यादा फायदा हो सके इसका। कपड़े वाटप का प्रोग्राम पिछले 8 साल से कंटिन्यू चल रहा है। इस साल जो है तो 25,000 कपड़े बांटने का प्रोग्राम है, और आप देख रहे हैं कि 17-18 हज़ार कपड़े जमा हो चुके हैं अपने पास में, और बाकी कपड़े ये 4-5 दिन के अंदर जमा हो जाएंगे। कुछ कपड़े ट्रांसपोर्ट के अंदर है, वो कपड़े भी इंशाल्लाह आ जाएंगे अपने पास में। पब्लिक को भी मैसेज देंगे कि जो आपके महल्ले में जो जरूरतमंद है, तो आप उनको कटकट गेट पे इमरान परियानी साहब के घर पे आप भेजिए, उनके बंगले पे आप भेजिए। वहाँ पे रोटी बैंक का बाहर मंडप लगा है, और वहाँ पे आप आपके पूरे परिवार के कपड़े आप वहाँ से ले सकते। शहर में होटल और जायके की दुनिया में पहली बार पेश खिदमत है एक अनोखे और खूबसूरत अंदाज में, अरबी जायका भी अरबी माहौल के साथ। होटल अमूदी पैलेस, स्पेशल जायकेदार तुर्किश
स्प्लिटर रमजान। शहर बुडी लाइन में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडी लाइन और कल वे शहर बुडी लाइन में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, कल वे शहर बुडी लाइन में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडी लाइन और कल वे शहर बुडी लाइन में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडी लाइन औरंगाबाद, कल वे शहर बुडी लाइन में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडी लाइन और कल वे शहर बुडी लाइन में सफा रेस्टोरेंट, लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा। ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत। केंद्र शासनाने 200 कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या घाटी येथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या नावाखाली खासगी संस्थांच्या घशात घालण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे। यासाठी जाहिरात काढली असून कागदपत्र सादर करण्यासाठी खासगी संस्थांना 9 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली। रुग्णांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी घाटी येथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल या हॉस्पिटलमध्ये कोट्यवधी रुपयांची यंत्रे 2-2.5 वर्षांपासून धूळ खात पडून आहेत। राज्य शासन ही हॉस्पिटल चालू शकत नसल्याने खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे। येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 3 एकर जागेवर 220 खाटांचे हे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यात आले आहे। या हॉस्पिटलमध्ये कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड थेरोसिस सर्जरी, न्यूनोलॉटॉजी, न्यूरोसर्जरी आणि युरोलॉजी अशा 8 सेवा रुग्णांना दिल्या जाणार आहेत। यासाठी कोट्यवधींची यंत्रसामग्री बसवण्यात आली आहे। या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांना येथे शिक्षणाची सोयही उपलब्ध आहे। या ठिकाणी अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या रुग्णांवर उपचार केले जाणार आहेत। त्यासाठी खासगी रुग्णालयात गेले तर 1,00,000 रुपये रुग्णांना मोजावे लागतात, त्यामुळे शासनानेच हे हॉस्पिटल चालवणे अपेक्षित आहे। तसे झाले तर गरीब रुग्णांना गंभीर आजारावर उपचार होऊ शकतील। पण आता राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या नावाखाली खासगी संस्थांकडे देण्याचा घाट घातला आहे। ही हॉस्पिटल चालवण्यासाठी स्वारस्य असलेल्या संस्थांनी पुढे यावे यासाठी जाहिरात काढण्यात आली होती। 11 एप्रिलपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत होती, आता 9 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे। त्यामुळे लवकरच ही हॉस्पिटल खासगी संस्थांकडे जाण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे। नांदेड जिल्ह्यातील लेंडी प्रकल्पातील पुनर्वसन मान्य नसल्याचा आरोप करीत ग्रामस्थांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे। त्यांच्या मागण्यांबाबत उपोषणकर्त्यांनी अधिक माहिती दिली। आमच्यावर गेल्या 35 वर्षापासून शासनाने लक्ष न घातल्यामुळे, आमच्यावर व्यथा आमची न ऐकता त्यांनी शासन मनमान्याने, धडपशाहीने आणि पुनर्वसन स्वतः लादत आहेत। आम्हाला तो पुनर्वसन मान्य नाही। हा पुनर्वसन ग्रामपंचायत आजपर्यंत ठराव नाही। गेल्या आमची शेती करण्यापासून 10 ते 12 किलोमीटर दूर असल्यामुळे आमच्या उपजीविकेचा साधन शेती आहे। पण आम्ही, आमची मागणी आहे बाबा शेताच्या कडेला कुठं गावठाणा बसवा, तरी शासन न ऐकता आम्हाला 10 ते 15 किलोमीटर दूर घातलं
आणि तिथं आम्ही जाण्यास तयार नाही. आमची मागणी रिसर आहे, आम्हाला एकतर का सविच्छा द्या, नाही म्हणतात आमचं आम्हाला मावेजा द्या, वाडी कुटुंबाचा सर्वे करा, वाडी कुटुंबाचे पैसे आम्हाला मुलांच्या लेकरा बाळासाचं प्रश्न आहे. रोटी बँक सेवा ट्रस्टचे युसुफ मुकाती यांच्या वतीने रमजान ईदच्या पार्श्वभूमीवर गरिबांना 25,000 नवीन कपडे वाटपाचा कार्यक्रम सुरू होत असून काही टप्प्यांमध्ये कपडे वाटप करण्यात येणार आहेत. रोटी बँक सेवा ट्रस्टच्या युसुफ मुकाती यांच्या वतीने रमजान ईदच्या मुहूर्तावर गरजू व गरिबांना जकात म्हणून 25,000 नवीन कपडे वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी जिन्सी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक व्यंकटेश केंद्रे, क्रांती चौकचे पोलीस निरीक्षक गणपत दराडे यांच्यासह युनुस मोतीवाला, फैयाज खान, हेशाम उस्मानी, शोएब खुसरो, इब्राहिम पठाण, वाय के बिल्डर व्यापारी महासंघाचे जयस्वाल, लतीफ खान प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. गरीब व गरजू लोकांनी सण साजरा करावा, घरात काही क्षण आनंदाचे वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून हा उपक्रम 8 वर्षांपासून सुरू असून आज इम्रान परियानी बंगला बाबा टॉवर समोर युनुस कॉलनी कटकट गेट औरंगाबाद येथे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. रोटी बँक की तरफ से जो जरूरतमंद लोग है उनके लिए हर तरीके की दो तरीके से सहायता करने की कोशिश की जाती है, मगर एक इंसानियत के नाते वो जितना हो सके जितने गरीब लोग हैं उनके लिए मदद करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत एक इंसानियत का एक काम है, पैगाम है. और ये पवित्र रमज़ान महीने में जो भी कुछ गरीब लोग हैं उनके लिए ये बड़ी एक बड़ा पैगाम रोटी बैंक की तरफ से है. सेवा ट्रस्ट की तरफ से जो ये पुण्य का काम किया जा रहा है, इंसानियत का काम किया जा रहा है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और इन सब जो उपाध्यक्ष साहब है और इनके सब जो दोस्त लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, इनको धन्यवाद देता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ. रमजान महीने के पवित्र महीने में ये जो काम हो रहा है इसके लिए शुभकामना देता हूँ. और सब मुस्लिम भाइयों को रमजान और ईद की पूरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहा हूँ. आज मैं सबसे पहले तो हमारे केंद्र का साहब का और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आकर हमारे प्रोग्राम को 4 साल लगा दिए. ये प्रोग्राम हम पिछले 8 साल से लेते आ रहे हैं. पिछले साल भी आपने देखेंगे हमने लॉकडाउन के अंदर डोर टू डोर सर्विस दिए थे और इस बार भी जो है तो हम एक प्लेटफॉर्म बनाकर यहाँ पे कटकट गेट के ऊपर कपड़े बांट रहे हैं. ये कपड़े पूरे के पूरे महाराष्ट्र से कपड़े आए हुए हैं और ये कपड़े औरंगाबाद के जितने भी व्यापारी हैं उनके सहयोग के कपड़े हैं. वो कपड़े हम लोग पिछले 8 साल से जमा करते हैं और इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि गरीब की धूमधाम से बने. थैंक यू अल्लाह. देखिए 25,000 भी कपड़े आए हुए आज जो है तो 50% के लगभग कपड़े खत्म हो जाएंगे. 10,000 से 12,000 कपड़े आज होंगे और कल सुबह 11 बजे से 5 बजे वापस से ही चालू होंगे. मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद हारून मुकाती. एमआयएम पक्षाचे शहर उपाध्यक्ष मीर हिदायत अली यांच्या वतीने इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात शहरातील अनेक मान्यवरांनी हजेरी लावली. एमआयएम पक्षाचे शहर उपाध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक मीर हिदायत अली यांच्या वतीने इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. शहाबाजार येथील एमआयएम कार्यालयात आयोजित इफ्तार पार्टीमध्ये प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी, नगरसेवक रफत यार खान, शहर अध्यक्ष शारिक नक्षबंदी, अबू हसन हाशमी, रमजानी खान यांच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती. कैसा है इफ्तार पार्टी जो रहती है ये खास सबसे पहले तो हमारे खायद हमारे सरप्रस्ती महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादी साहब, हमारे शहर प्रेसिडेंट शारिक नक्षबंदी साहब, ईस्ट के प्रेसिडेंट दस्तगीर साहब, हमारे माजी कॉर्पोरेटर रफत भाई, अबुल हसन, विकास एडके साहब, जितने तमाम जो आए हुए हैं मैं ख़ास तौर पर मेरे दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. और इन्होंने हमारी इफ्तार पार्टी हमारे महल्ले में आके हमारी इज्जत अफजाई की, हमारी हिम्मत बढ़ाई. ये जो राज ठाकरे हैं ना, ये बुझावा चिराग है, भड़क रहे, कौन से भूंगे की बात कर तो समझ में नहीं आ. हमारे खासदार इम्तियाज जावेद साहब ने कहा है सही वक्त पर सही जवाब दिया जाएगा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता. फिर भी इंतज़ामिया उसको इजाज़त देता है नहीं, वो मसला अभी गुलदस्ते में है, देखते हैं क्या होता है. औरंगाबाद की सभा की बात नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये माहौल बन रहा है कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर है उसके खिलाफ बात की जाए.
रियासत के विकास की मसाइल की कोई बात नहीं होती, हिंदू मुस्लिम में कैसे इख्तलाफ पैदा किया जाए उसकी बात होती है, मगर ये तमाम बातें काबिल मजम्मत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शैलेश माने यांच्या मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंटला शहरालगत पैठण रोडवर नव्याने सुरुवात करण्यात आली असून या रेस्टॉरंटला खवय्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. पैठण रोडवरील मातोश्री वृद्धाश्रम येथे शैलेश माने यांच्या मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंटला नव्याने सुरुवात करण्यात आली आहे. या रेस्टॉरंटमध्ये व्हेज आणि नॉन व्हेज सी फूड अशा थाळी पद्धतीची मेजवानी सोयीच्या दरात ठेवण्यात आली आहे. या ठिकाणी वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल सुसज्ज जागा उपलब्ध आहे. झोमॅटो स्विगीद्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील अशी माहिती रेस्टॉरंट व्यवस्थापकांनी दिली आहे. याबरोबरच फ्री होम डिलिव्हरी देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे. सदर रेस्टॉरंटमध्ये महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, चायनीज यांच्यासह पुढच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट पर्वणीच ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे. नमस्कार, मैं शैलेश माने, मेरा यहाँ पे पैठण रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री व्हेज एंड नॉन व्हेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है. कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है. मैं कस्टमर से गुजारिश करूँगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले. हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है. सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फिश है, प्रॉन्स है, और नॉन वेज में भी पूरा प्योर नॉन वेज है. सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है. बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं. बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है. एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे. मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा. नहीं, हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है. देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है, और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है कि ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो. तो ये भी हमने रेट्स हमारे जो रेट्स है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें. औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट किसी से ज़्यादा भी नहीं है. हमारे रेट जो है, एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे. ये हमारा इतना गारंटी है. शेवटी पुनः एकदा आजच्या ठळक बातम्या. शहरात हवाल्यामार्फत आलेले 1.9 कोटी रुपये गुन्हे शाखेकडून छापा मारून जप्त. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल खासगी संस्थेकडे देण्याच्या हालचालींना वेग. कोट्यवधींची यंत्रसामुग्री धूळ खात पडून. इंधन दरवाढीच्या विरोधात डाव्या पक्ष संघटनांची तीव्र निदर्शने. आणि याबरोबरच हे बातमीपत्र इथे संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत रहा ADN औरंगाबादकरांच्या हक्काचं बातमीपत्र.